हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है और मैं दिल्ली से हूँ। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा अरुण भाई, आपने मेरा वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा मुझे मिल गया है। और मेरा वीज़ा विद इन 6 वर्किंग डेज में मेरा अप्रूव हो गया है। और थैंक यू सो मच अरुण भाई, आपने मेरा वीज़ा अप्लाई किया और मुझे वीज़ा मिल गया है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ। मेरा सजेशन ये है, अगर आप किसी बड़ी कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, तो आप अरुण भाई से ही करें। अरुण भाई मतलब काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि किस कंट्री का वीज़ा इस टाइम में ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है। और इस टाइम में न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट सबसे अच्छा है। अगर 100% अप्लाई करते हैं, 100% अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें 99% का अप्रूव हो रहा है। किसी की किस्मत ख़राब है तो ही है, बाकी मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है। बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं पासपोर्ट के अंदर मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी, 5 टू 6 कंट्रीज़ की, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, ये दुबई, जॉर्डन, मलेशिया। एंड दूसरा डॉक्यूमेंट मेरा लगा है बैंक, ये बिजनेस प्रूफ में जीएसटी सर्टिफिकेट, 2 साल की आईटीआर भी मेरी अंडर 5 लाख है, कोई मैंने टैक्स नहीं पे किया है। और जो मेरा जीएसटी सर्टिफिकेट है वो भी बस 4 टू 5 मंथ्स ओल्ड है, कोई मतलब ज़्यादा पुराना बिजनेस नहीं है मेरा। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट लगा मेरी बैंक स्टेटमेंट में मेरा बैलेंस था 1,44,000 बस। और बस यही डॉक्यूमेंट लगे हैं। हाँ, एक डॉक्यूमेंट और, सीए रिपोर्ट लगी है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। मैंने दिल्ली में पता करा था तो कोई ऐसे बोल रहा था, कोई वैसे, मतलब कोई आनाकानी कर रहे थे, कोई बना नहीं रहा था। लेकिन इसके लिए भी मैंने अरुण भाई से कांटेक्ट किया, तो अरुण भाई ने सीए रिपोर्ट का भी मेरा मतलब काम वहीं से करा दिया था, मतलब मुझे जाना नहीं पड़ा, मतलब ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया था। घर बैठे में सबसे अच्छी बात है कि मेरा घर बैठे काम हो गया। एक मतलब फ़ोन पर बात हुई थी, सारा कुछ डिस्कस करा, फाइल डिस्कस करी, क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है, सारा कुछ मैंने 1 से 2 दिन में अरेंज करके अरुण भाई को दे दिए मेल पे। अरुण भाई ने सारा काम करा दिया और सीए रिपोर्ट का भी उन्होंने ही अपने आप से ही काम करा दिया। बाकी मैं तो आप सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा लगवाना है तो अरुण भाई से ही लगवाएं। ट्रस्टेबल बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और काफ़ी मतलब कम पैसों में काम हो रहा है। एम्बेसी फीस प्लस मतलब उनकी कुछ सर्विस चार्ज है, नॉर्मल से सर्विस चार्ज है, वो आप पे करें तो आपको मतलब मेरे हिसाब से तो इतने सर्विस चार्ज में कोई इशू नहीं होना चाहिए, बहुत कम सर्विस चार्ज है इनके। बाकी थैंक यू सो मच, जाते जाते फिर थैंक यू बोलता अरुण भाई, आपने मेरा वीज़ा अप्लाई करा। बाकी आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करें, लोगों का भला करें, आपका भी भला होगा।